मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में मतदान लगातार जारी है। चुनाव में पैनी नजर बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम बनाया है, जहां से खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में कई मुद्दे सामने रखकर प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। आज जनता फैसला कर देगी कि वो किसके साथ है। प्रदेश के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव में पैनी नजर बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम बनाया है, जहां से खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वॉर रूम पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है, तो अब वो कांग्रेस पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है। मैं कलेक्टर से बात करके सभी जगह की जानकारी ले रहा हूँ। ये अब कहें क्या, मैं तो कह रहा हूँ अब उनके पास कहने लायक कुछ बचा नहीं, तो अब आ गई कांग्रेस की गुंडागर्दी। कोई एक उदाहरण है जहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी है? बहुत सालों से हुई, कल से हो रही है। हाँ, मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी, वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल सही है, तब मैं चेक करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।